पंच परमेश्वरी कहते हुए सुनते हुए समझते हुए कुछ लगता है भीतर, अरे ये हमारे सुख के आधार हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे स्थान पर बैठने का सौभाग्य, पंच परमेश्वरी की पूर्व में भक्ति कुछ की होगी तो ये बैठे। और मेढक भी हमने आपको एक दृष्टांत इसी में बताया था, सेठ ने पानी पिया नहीं और फिर भी मेढक बन गए, और मेढक ने पूजा कर नहीं पाई तो अभी स्वर्ग में देव हो गया। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, कहते हैं परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत का। थोड़ा थोड़ा संकेत पूजा करते हुए पूजा सुनते हुए अंतर में विचार कर लेना चाहिए, सहे क्यों नहीं जियरा मान महाविष्णु, करिए सरल से योग अपने, धरे हृदय संतोष, कठिन वचन मत बोल, कठिन भाव नहीं हो कठिन वचन भी नहीं हो। गांव में ये कहावतें थी, भैया बड़ा कौर खा लेना लेकिन बड़े बर्तन मत बोलना कभी। वही वचन बोलना जिनका निर्वाह हो सके, जैसे अंतर में भाव हो, जिनको प्रकट करने में तुम्हें संकोच ना हो। क्या सोच रहे कछुनी कछुनी, घबरा न जाओ, अगर घबरा गए तो समझ गए कि गड़बड़ सोच रहे। क्या कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कछुनी कछुनी या को मतलब है। अच्छी बात को प्रकट करने में संकोच कैसा, संकोच प्रकट करने में तो पाप की बातें होती हैं। पंच परमेश्वरी कहते ही अपने भीतर में रोमांच खड़े होना चाहिए, अरे हमारे सुख के आधार तो यही हैं। हमारे अंदर में जितनी भी आपत्तियां हैं वे पंच परमेश्वरी की विराधना का फल है, चाहे रोग हो चाहे दरिद्रता हो जो कुछ भी हो, चाहे अनादर अपमान हो। विचार करो श्रीपाल को भानु का बेटा क्यों कहा गया था, सवेरे काल उन्होंने मुंडा ऐसी कोड़ी कोड़ी का उनके कोड हो ही गया। ये बात वचन वो सम्राट को सुनने पर रही चंपापुर की राजा, 8,000 इनकी रानियां और भानु का बेटा ऐसी बात समुद्र में से निकलते हुए देखा है। पाप के उदय से वह मिलता है जो कोई नहीं चाहता, पाप के उदय से वह मिलता है जो कोई नहीं चाहता। रोग कोई चाहता है, अपमान कोई चाहता है, दरिद्रता कोई चाहता है, लेकिन पाप के उदय में मिलती है। रोग कोई चाहता है, जैसे पाप के उदय में रोग बिना चाहे मिलते हैं ऐसे पुण्य के उदय में भोग भी बिना चाहे मिलते हैं। यानी कहां से आए यानी कहां हो पता ही नहीं। बस चाहने से तो क्या होता है, तो भैया चाह कैसी है ये तो सोचो पहले। धर्म की चाह से पुण्य होता है, पुण्य की चाह से भी क्या होगा, और भोगों की चाह से तो पाप होगा। हमारा सोचने का मतलब ये है, परमेश्वरी भगवान कहते ही जैसे घड़ी घड़ी कहते ही दीवार तो नहीं होती, घड़ी दिखाई देती है,
अंगूठी अंगूठी कहते हार तो नहीं दिखाई देता, अंगूठी दिखाई देती है। ऐसे पंच परमेश्वर कहते हुए हमें दिखाई क्या देता, ये आत्मा की अवस्थाएं आत्माएं ये तरह। पंच परमेश्वर भगवंतों का ही ये शांत मुद्रा है आज आपके सामने। पंच परमेश्वरों का जीवन चरित्र वर्तमान युग में कहा गया है। क्या बता रहे हे जगत के जीवो, अगर सुखी होना है तो अपनी ओर देखो, दूसरों की ओर देख देख करके कभी सुखी नहीं हो पाओ। भगवंतों की दृष्टि किधर है? पंच परमेश्वरों ने किसकी आराधना की है? अष्टपावन में कुंद कुंद स्वामी ने तो स्वयं स्पष्ट लिखा, ये सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। पंच परमेश्वर आधार है ये व्यवहार है और आत्मा आधार है ये निश्चय। निश्चय व्यवहार का प्रतिपादक है। कैसे? पंच परमेश्वर आधार है, इसका मतलब ये हुआ पंच परमेश्वर जिसका आधार हमें बताने के लिए गए है वही आधार है। सुंदरी पुरुष के वेश में रूप परिवर्तन विद्या से अपने रूप परिवर्तन कर लिया, अब उसका विवाह हो गया तो पत्नी कौन की? जिसकी वह पत्नी है। तो सुंदरी मैंने सुंदरी पढ़ी होंगी, हम तो तुम लोगों की हूँ पढ़ते थे। अब रूप परिवर्तन विद्या से उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, मनुष्य के रूप में रहकर के राज्य स्थापित कर लिया, सात कौड़ियों में राज्य लेकर के रहना, तो वो राज्य ले लिया उसने। अब वहां उसे राजा की पुत्री से विवाह हुआ, तो विवाह किसका माना जाएगा? अरे जिसकी वह विवाहिता है, जिसकी वह पत्नी है। ऐसे हमारे लिए कौन सा अवलंबन है? जिनका अवलंबन इन्होंने लिया है वही अवलंबन है। देखो बाहर के भगवान तो छूट जाएंगे आपके देह छूटने के साथ, ये मंदिर यहीं रह जाएंगे, भगवान यहीं रह जाएंगे, जिनवाणी यहीं रह जाएंगे, सुनाने वाला यहीं रह जाएगा, ये परिवार यहीं रह जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। कल कहा था नौ कर्म का छूटना मरण है और सकल कर्म का छूटना निर्वाण है। अब पहुंच गए कहीं दूसरी जगह, माँ के गर्भ में विचार करना, भीतर का भगवान नहीं छूटेगा, बाहर के भगवान भी छूट जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने बताया वो भीतर का भगवान नहीं कभी छूटेगा। अपने परिणाम हमेशा अच्छे रखो, अच्छे माने जो समझते हो सो अच्छे नहीं है, उल्टा समझते हो। अपना क्रोध तो बुरा अच्छा लगता है और दूसरे का क्रोध बुरा लगता है। अगर हमारे ऊपर कोई क्रोध करे तो बुरा लगेगा और हम क्रोध करे तो कुछ नहीं रोग है। फिर हमने सुनाई बड़ो अच्छो करो, अरे हमारे गुरुओं ने तो उपसर्गों में समता रखी थी, तुमने समता कहाँ रखी? फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, अरे क्या किया तुमने? कर्म बंद, लेकिन कर्म बंद के काल में भी आत्मा निर्बंध है, इस बात को समझो भाई। बाहर का संयोग अगर देखना है तो ये देहरी कभी मत छोड़ो, मंदिर की देहरी दो बार आप लांघते हो, एक तो आते समय एक जाते समय। जब आते समय लांघते हो तो भीतर भगवान के दर्शन होते हैं और जाते समय लांघते हो तो जने कहाँ जाते हो, बाजार में दुकान पे घर पर। भैया ये डेयरी पकड़े गए ना,
जितनी आपत्तियां विपत्तियां हैं सब इन्हीं से दूर होंगी, जितनी संपत्तियां हैं सब यहीं मिलेंगी, इकट्ठी हो गई। भक्तामर जी में एक काव्य है, आपको याद आ जाएगा, को विस्मयो त्रियनाम गुणे ऋषि कैसे है। हे भगवान, समस्त गुण आप में इकट्ठी हो गए और दोषों ने आपकी ओर देखा भी नहीं। ऐसे ही भगवंतों की भक्ति भीतर रहेगी तो दोष आएंगे भी नहीं हमारे अंदर में, और गुण इकट्ठे हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, पता नहीं कब आ जाएंगे। आप जिनवाणी सुनने लगो पता नहीं कब सरलता आ जाएगी अपने आप। एक घर के लोग, सही घटना है, आपस में दोरानी जिठानी बोला चाली नहीं थी, वो बच्चे नहीं बोले होते और बच्चे को भी नहीं बोलने दे, छोटा था बच्चा, अब वो क्या जाने, लेकिन वो बोलने नहीं देवे उसको भी, उसको जाने नहीं देवे, उसको वहां खाने नहीं देवे। लेकिन जब से पाठ स्वाध्याय सामूहिक रूप से शुरू हुआ पता नहीं कब बोला चाली शुरू हो गई, गुल मिल गए। हमें जुड़ना है, यहाँ पैसा से मत जुड़ो, स्वाध्याय से जुड़ो। हमने कहा भैया जुड़ना है, रोज प्रवचन सुना करो, स्वाध्याय किया करो, चार छह मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट, जितना समय समय निकालना पड़ेगा, उपयोग लगाना पड़ेगा। आप ये सोचो, अगर आप दर्शन करने का नियम नहीं हो तो दर्शन के लिए भी समय नहीं मिलेगा, पर नहीं आते बहुत लोग, उन्हें हम नहीं आते, बस खत्म होगा, इतना कहना ही तो है। समय निकाले तो निकले, उपयोग लगाए तो लगे, समझने की कोशिश करे तो समझे। समझो भाई, हित का मार्ग क्या है, हमारा हित काय में है। ये भगवान कुछ कह रहा है, आप नंदीश्वर पूजा पढ़ते हो, बैन नहीं कहें लगे हो सम्यक धर्म, कुछ कह रहे हैं। अच्छा तो मानो कालुस कालुस हरम, जिसने भगवंतों को प्रसन्नता से देखा है उसको कालुस दूर हो जाते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्षार्थम। एक प्रसन्नता से देखने की बात तो है, एक चक जंतम को अभिलोक, चक्रति लगा करके देखना कोई अच्छी बात नहीं मानी आती लोग तुम्हें, क्या देख रहे हो। लेकिन भगवंतों की ओर चक्रति लगा करके देखने की लिखा है हेमराज जी ने, एक चक जंतम को अभिलोक अवर विषय रति करे न कोई, और हिंदी में ही नहीं है ये, संस्कृत में है। दुष्टवा भवन मनमेश माने क्या होता है, अपलक, अलग झपे बिना देखते। हमने आपको कहा था, देखो भाई आंखों का भरोसा नहीं, कब चल देखना बंद कर दें, इस वीतरागी छवि को देख लो, इतना देख लो कि जैसे सावन के अंधे को हरो हरो दिखाई दे, ऐसे हमें वीतरागता वीतरागता दिखाई दे। कानों का भरोसा नहीं, अध्रुव है, जिनवाणी सुन लो और इतनी सुन लो कि और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। लिखा है बुद्धदास जी ने बुद्ध शतक में, बोलो लिखा है कि नहीं। कानन कहा सुने हो, कानन का सुने, सुनो 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 का सुने, तुम आई तो हम जानते तुम वही गए हो, हमें मानना नहीं। कानन कहा सुने हो, कानन जोगलीन जिंदाज भाई,
निरख चुके नयन सब जाते हैं नयन नाथ का नहीं धरे करनो कछ न करते कारण ताते पान पुलम्ब करे। तैयारी तो कर लो, कल बाजार बंद रहे, अच्छा तो आज ही सब्जी ले आए कर दली। तो विचार करो जब जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे। तुमसे कोई पूछेगा बेटा तुम्हारे जैन धर्म में क्या विशेषता है तो तुम क्या बताओगे। पंडित फूलगंज जी थे, तब की बात है बनारस की। बोले कुछ लोग आकर के, पंडित जी आप लोग थोड़े से लोग हो, लाखों में संख्या है, किसी बड़े संप्रदाय में मिल जा। ये अलग से डबड़ी का बजा रहे। ठीक, पंडित जी बोले भैया किस में मिल जाए बता, जिसमें हमारे सिद्धांत मिल जाए, मल मिल जाए, जिसमें वस्तु की स्वतंत्रता कही गई हो, प्रत्येक आत्मा को भगवान कहा गया हो, सबके लिए भगवान होने का द्वार खुला हो, जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, भाव अहिंसा, खाली द्रव्य अहिंसा नहीं। देखो बाहर की हिंसा की सजा सरकार देती है, बच्चनों की हिंसा की सजा समाज देती है। कैसे बोल रहे, क्या कर रहे तुम, समाज तो के ही तुम, लेकिन भावों की आपकी परिणाम हिंसा का फल कौन देगा। बोले काय में मिल जाए, जिसमें वस्तु की स्वतंत्रता हो बताओ, जिसमें अहिंसा का प्रतिपालन हो, अनेकांत हो, स्यादवाद हो। सुन करके रह गया। बोले हीरा हीरा ही है, पाषाण पाषाण ही है, कोई मेल नहीं है, कहाँ मिलेंगे। ये गंदोदर जा रही हो तो कहा काय में डाल रहे हो, नाली में डाल रहे हो। अरे किसी स्वच्छ स्थान पर, पवित्र स्थान पर डालोगे। ये गंदोदर ले लियो, माथे सिर माथे लगाओ, कहाँ लगाओगे, उत्तम अंग में कहाँ डालोगे, चाहे कहीं तो नहीं फेंक देंगे। ऐसे अपने उपयोग को तुम चाहे कहीं लगा रहे हो, निकटा में समय लगाया है। भगवान पंच परमेश्वरी ऐसा लगता है जाने सर्वस्व मिल गया। आज हम कह रहे हैं देव पुण्य के उदय से मिलता है, और ये भगवान माँ पुण्य के उदय से मिले। कहते हैं भगवान और वैभव का क्या मेल है, क्या मेल है वैभव का और भगवान का। अरे जिन्होंने छह खंड के वैभव को निसार छोड़ दिया है ये मेल है, जिन्होंने वैभव को धूल और असार बताया है। है कोई कहने वाला। अरे जिनका गर्भ भी में आना भी कल्याणक माना गया है, जगत के कल्याण के लिए है, जिनका जन्म भी कल्याण के लिए है, जिनका वैराग्य भी कल्याण के लिए है, जिनका केवल ज्ञान भी कल्याण के लिए, मुक्ति भी कल्याण के लिए। अब क्या करेंगे, आप तो जा रहे हो। अरे हम जा रहे हैं, हम जिसके अवलंबन से रहे हैं उसी के अवलंबन से तुम रहना। संयोग का वियोग तो होगा, क्या करोगे। आचार्य महाराज से कह रहे हैं शिष्य, हे प्रभु आपके जीवन आपके बिना हमें तो जी दिखाई देता, सुना सुना अंधेरा अंधेरा, अब हम क्या करेंगे, कौन से पूछेंगे, कौन से कहें। भैया भीतर से पूछना, भीतर से कहना। एक बच्चे को जैसे आप टोकते हैं ऐसे आप अपने को टोकना सीखो। क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, क्या देख रहे हो।
बच्चे को जैसे संस्कार करना चाहते टोकना चाहते हैं टोकते ऐसे अपने को टोकना सीख लो। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। अगर नहीं टोंकोगे तो काम नहीं बनेगा। हम कौन तुम्हारे साथ हाथ में बैठे रहेंगे? यानी तुम कहाँ होगे हम कहाँ बैठे? हमें मालूम ही नहीं हम टोंगे हैं क्या? और कोई गलती हो तो बता दियो, हमका तुम्हारी गलती देखकर फिर रहे भी क्या? अपनी गलती को भी देखना पड़ेगा और अपनी गलती को दूर भी करना पड़ेगा। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, पूज्यपाद स्वामी कह रहे। मतलब चाहे किसी को गुरु बनाना भी नहीं और चाहे किसी से गुरु बनना भी मत। उज्जैन में पढ़ जाओगे ये अलौकिक धर्म है, अलौकिक शासन है भगवान। इस अलौकिक धर्म को अलौकिक शासन को पा करके कुछ सदुपयोग करना चाहे। हर एक को नहीं मिला, हमें क्यों मिला, सबको क्यों नहीं मिल गया? आप आ गए तो आप आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ जाओ, आपके लिए ये आसन मिल गया। और कोई आया उसके लिए कुछ नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ? अरे विचार करो, अगर सांप की योनि में हो और आ जाए तो उसे कहेंगे बैठो, भगा भगाओ इसको, एक चिड़िया भगा भगाओ इसको। विचार करो उसको, वो भी तो जीव है, सभा में आते हैं चलिए। हम आपसे एक बार कही थी, समोह शरण में तीन गति के जीव होते हैं, कही थी, चौथी गति ये नहीं होते। समोह शरण में तीन गति के जीव होते हैं, देव मनुष्य और प्रिय, नारकी नहीं होती। इसका मतलब ये है समोषण को पा करके भी जो समोषण में नहीं आए तो आप समझ लेना चाहिए हमारी परिणति किधर जा रही है। गुरुवत्र स्वामी कहते भैया तुम जड़ काट के फल खाना चाहते हो, धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहते हो, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आत्मा को छोड़ करके ज्ञानी होना चाहते हो, आत्मा को जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। इन भगवंतों की भक्ति के बिना सुखी नहीं होता। आज इतना वैभव इतना सब है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है सब जगह पर, और बस टेंशन भरी, क्यों? इनसे दूर है, जिनवाणी से दूर है। और एक जिनवाणी का स्वाध्याय करने वाला सामान्य स्थिति का जीव भी अपन कछु नहीं है, आज ही नहीं है, चल कोई बात है, खा लो पी दो अपने और चले आए, कब खाया है हमें मालूम नहीं, मिले मालूम ही नहीं है। कितना शांतमय जीवन, उस मजदूर के जीवन को देख करके मालिक ईर्ष्या करने लगे, कहने आराम से जी देखो कैसी नींद आ रही, हमें वैसी नींद नहीं आ रही, इनको खोल करके ऐसी भूख लग रही है हमको भूख नहीं लग रही। भूख माने तत्व की जिज्ञासा, भूख माने तत्व की जिज्ञासा। भूख खाली रोटी की भूख नहीं, पानी लड्डू की भूख नहीं, हमका तुम्हारे लड्डूवन के भूखे हैं। सही बात है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा बात्सल्य के भूखे रहना, बात्सल्य देना भी सीखना और बात्सल्य की कदर भी करना सीखना। कोई प्रेम से कह रहा तो तुम्हारे लिए सेवक नहीं है, दस दफे कब आओगे तो तुम बड़े नहीं हो जाओगे। बात्सल्य को देना भी सीखना और बात्सल्य की आदर भी करना सीखना। तुम्हें मालूम है कहाँ का प्रसंग है, दिल्ली का क्या हस्तनपुर का, ध्यान नहीं रहा,
सेठ की लड़की वड़के का कोई विवाह कार्य हुआ होगा, तो उसने कहा जाओ बांटिया। तो मुनीम लेकर के वो जो कुछ बांटने के लिए होगा सो बांट रहे होंगे। लौट के आए कि मुनीम बांटे आए, बांट तो आए। उस नुक्कड़ वाले जो चना बेचता है, चबेना बेचता है, उसने नहीं लिया। अच्छा, सेठ जी समझ गए कैसा बात चल, कैसा समाज। सेठ जी बोले ठीक है रखो। बग्गी में बग्गी तैयार कराई, सेठ जी पहुंचे वहां, उसकी दुकान के सामने रोक दी, जा करके बैठ गए बोरा गए और बोले भैया पानी हो तो निक प्यादे। अब सेठ जी पानी मांग रहे, बेचारा गया भीतर पानी लेने, तब तक उन्होंने दो चार चने मुंह में डाल दिए और खा लिए पानी पी लिया। फिर मुनीम को इशारा कर दी ले आओ। बोले भैया तुम्हें यही तो संकोच, तो हम इन्हें कब खवा पाए, अब तो हमने तुम्हारे खा लो। अरे सेठ जी आप ऐसी बातें कर रहे, ऐसी वैसी की बात नहीं, तुम्हें यही तो संकोच, तो हम इन्हें कब खवा पाए, हम इन्हें कब पूछ पाए। सेठ जी को गुस्सा नहीं आई, नहीं लेन दे धंधा पति बनो रहने करो, अपने को बहुत बनता है, क्या करने अपन को, एक के बिना का भी कर रहो ना, एक सींक से कभी बुहारी नहीं लगती, बड़ी बदनी बड़ी मुट्ठी, बंदी मुट्ठी आप ही बोल दो, लाखी और खुली मुट्ठी खाती। इन भगवंतों के उपदेश को हृदय में रखना, जितना जीवन अपना बना भाई, समय का दान भी बड़ा दान है, समय निकालना सीखो, अपने लिए समय दो। इस टाइम पर हम अपने लिए हैं केवल, शरीर के संबंध में भी नहीं है, अपने लिए हैं। फिर अपने परिवार के लिए समय दो, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, पैसा क्या करोगे। समाज के लिए समय दो, समय टाइम, टाइम इज मनी, समय लेना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, ना अपने लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है, क्या होगा, वह समय कहाँ गया है। वो समय तुम्हारा बिकथाने गया, व्यसनों में गया है। कुछ अपने बारे में चिंतन करो, ये प्रयास छूटेंगे, ये संयोग छूटेंगे, तब कौन काम आएगा। क्या लेकर के हम आए हैं, कितना पुण्य लेकर के आए हैं। आदमी कह देता नंगे पैदा भाई, वो नौकर्म की अपेक्षा है, लेकिन बहुत कुछ पुण्य लेकर के आए तब हम जैन कुल में आ पाए, तब हमें ये सब थर्ड वार्ड मिले हैं सब। तुमने जिंदगी में पैदा करो और मकान बनाओ, जमीन लाई सब, और बच्चे को अपने आप मिल गए। बनो बनाओ आराम से, लेकिन उसको संभालना कर्तव्य है। उसे ये नहीं भूलना चाहिए ये मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में नहीं मिलेगा, बहुत पुण्य करके आए हो तब तुम इस घर में पैदा हुए। विचारना पंच परमेश कहते ही रोमांच न आया, हमारे प्रभु परमेश आधार, पांचों पद के 35 अक्षर मंत्र जपे नव का। अकरंग देव को कैसी विपत्ति में भी रमोर तारम याद आ रहा, हमारे मुंह से रमुकार मंत्र निकलना चाहिए, ये हमारी पहचान है। हम तो हजार मर हैं, हम कौन मरने वाले, निशंकता रहना चाहिए। क्या कहें भाई, हाँ सोचने की बात है, ये तो विचारने की बात है। जिन्होंने सुनी भी नहीं अभी कंगाल हैं।
और जिन्होंने सुना है भी निहाल हो गए, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। कैसे निहाल भाई? इस आत्मा को समझ करके निहाल हो गए, खुशहाल हो गए। हम इन भगवान को पहचान कर मिले तो हैं, लेकिन पहचानो भाई, इनका आदर करना सीखो, भक्ति करना सीखो, श्रद्धा और विश्वास लाओ इन पर। विपत्ति आ नहीं सकती तुम्हारे जीवन में, संपत्तियां तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम्हें छोड़ के जाओगे, तुम्हें नहीं छोड़ पाएंगे संपत्तियां। इनको भगवान को मत छोड़ बस। ओम नमः। चार घातिया कर्म विनाशे, चार घातिया कर्म अरहंतों की जय जय जय। सकल कर्म बल नाश हुए हैं, सिद्ध प्रभु की जय जय जय। छत्तीस गुण छोभे अधिकारी, आचार्यों की जय जय जय। पच्चीस गुण शोभे अधिकारी, उपाध्याय की जय जय जय। अट्ठाईस मूल गुण शोभे सात गुरु की जय जय जय। गुण अनंत शोभे अधिकारी, शोधातम की जय जय जय। एक से 43 गुण कह पाए हम, बाद बाकी अरहंतों के कितने गुण है आनंद, सिद्धों के कितने गुण आनंद, आचार्यों के कितने गुण आनंद, उपाध्याय के कितने गुण आनंद, साधुओं के कितने गुण आनंद, महात्मा के कितने गुण है। चलो प्रार्थना स्वामी की जय। नींद से सुनने की प्रतिज्ञा करना, सब बता रहे हैं आप अपने जीवन में निहाल हो जाए। एक घंटे का आपका स्वाध्याय करने का निर्माण होगा, वो आपको 24 घंटे देंगे, अनंत काल का आनंद देंगे। पर एक ही संकल्प आपसे जाएंगे, बाकी तो आप काम को करके जाएंगे, सबको भोजन करा के जाएंगे, वो तो वह होता ही है, लेकिन ये जो भोजन आपको मिला इसको साथ में लेके जाना और एक संकल्प करके जाना, साथ में तो सुनेंगे और जिस दिन कराता करके सुन नहीं पाए तो कुछ ना कुछ ग्रंथ देगा कि स्वयं पढ़ना, लेकिन जीवन में जितना भी इसे हाथ कर रहे जितना मन सभी तो है अपने सामने खड़े हो जाए, सूर्य दर्शन करेंगे और आगे कर किसी भगवान को किसी स्थापना पर खड़ी करेंगे।
अपना ओम निश्चित करते हैं उनसे कार्य करने की अर्थ